हिंदुस्तान में हम एक चीज जरूर मानते हैं कि किंग ऑफ कबाब्स जिसको कहते हैं तंदूरी चिकन, जी हाँ, हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो ऑर्डर जरूर करते हैं और खाते भी बहुत हैं। तंदूरी चिकन सब जगह पसंद है, जहाँ भी हिंदुस्तानी है वहाँ तंदूरी चिकन जरूर मिलता है। और मैं कहता हूँ सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, विलायत में भी चले जाएं तो तंदूरी चिकन जरूर मिलता है। और ये जो है ये देखा गया है पेशावर लाहौर के स्ट्रीट्स में, जहाँ पे ये चिकन ज़्यादा पकता था वहाँ पे लोग कहते हैं कि इन्वेंशन हुआ था इसका और डिस्कवरी हुई थी, और वहाँ से निकल के ये पूरा नॉर्थ इंडिया और उसके बाद पूरे जहान में फैल गया। धीरे धीरे जब सबको पसंद आने लगा, खाने की रुचि बढ़ने लगी, और आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि अच्छा हमारे घर में तंदूर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमने कहा कि एक तंदूरी चिकन स्टोरी करते हैं ताकि हर इंसान घर बैठे बैठे तंदूरी चिकन बनाने का और खाने का मज़ा ले। इसलिए हमने तंदूरी चिकन को एक नए अंदाज में बनाया, ओवन में, ओटी जी में, प्रेशर कुकर में और फ्राइंग पैन में, ताकि आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल उसके हिसाब से आप तंदूरी चिकन बनाएं और इसका मजा लें। तो द स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन यूट्यूब, बहुत जल्द आप यूट्यूब में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर हफ्ते दर हफ्ते कि तंदूरी चिकन बनाने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपके पास ओवन हो या ना हो, प्रेशर कुकर हो या ना हो, फ्राइंग पैन तो होगा ही, उसमें बना सकते हैं। तंदूरी चिकन स्टोरी।